हाय गाइस, अपने पास आज गाड़ी रहने वाली है सबसे लग्जरी और प्रीमियम कंपनी जो कि किया है, उसकी गाड़ी रहने वाली है किया सोनेट। किया दो ही गाड़ी बनाती है, किया सोनेट और सेल्टोस। बाकी मार्केट में इसकी कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन किया सोनेट जो कि सबसे सस्ती और सबसे लग्जरी गाड़ी में आती है, प्रीमियम गाड़ी, जो लोग कम फीचर्स कम पैसे में मतलब बड़े शौक पूरा करना चाहते वो किया की तरफ जा सकते हैं। किया गाड़ी काफ़ी कंपनी अच्छी है। ये किया सोनेट का इंटीरियर वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं। इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम आता है, मतलब मैं देख के गाड़ी को चौंक गया कि मतलब इतना अच्छा इंटीरियर यार, मतलब किया कंपनी क्या करके आ रही है। किया ने क्या पूरा बड़े अच्छा सा इंटीरियर दे दिया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, और डबल स्क्रीन दे दी है मैंने उसमें। और जो सबसे बेस्ट मॉडल आता है उसे सेकंड मॉडल में भी आपको सनरूफ देखने को मिलेगा। किया सोनेट काफ़ी अच्छी गाड़ी रहने वाली है। इसके इंटीरियर में पूरा देखिए आप, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह सब कुछ सिल्वर इंसर्ट के साथ मिलता है। और ऐसी गाड़ी कोई बलेनो वगैरह में कभी नहीं आता। इसी गाड़ी में आपको सेंटर अमरेज वगैरह सेंटर का जो पूरा भरा हुआ देखने को मिलता है। सेंटर में आपको भी इसके पैकिंग हाउस में वगैरह सब कुछ मिलता है। बाकी इसका इंटीरियर पूरा काफ़ी अच्छा है। और ये बेस मॉडल से सिर्फ सेकंड टॉप मॉडल, सेकंड टॉप मॉडल है। मतलब इस गाड़ी में आप बेस मॉडल की प्राइस मतलब थोड़े से पैसे ज़्यादा लगाकर आप इतने अच्छे लग्जरी फीचर्स ऐड कर सकते हैं। और इस गाड़ी की हाइट इतनी अच्छी है कि आपका सर वर तो टच होने का चांस ही नहीं है। मतलब मेरी 6 फीट हाइट है और तो भी गाड़ी का अच्छा टच नहीं हो रहा। बाकी इसके इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर काफ़ी अच्छा प्रीमियम है। और बाकी इसके एक्सटीरियर में भी काफ़ी अच्छी चल रही है फीचर्स दिए। फाटक उधर जोर से बंद करना पड़ता है, बड़ी गाड़ी है, काफ़ी अच्छा हैवी डोर है इसका। सेकेंड रो सीट की बात करें तो सेकेंड रो सीट में आपको फुल जगह स्पेस देखने को मिलेगी। ह्यूंडई वेन्यू और जो दूसरी एक्स्ट्रा वगैरह आती है उससे तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है ये। और इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से बात की जाए तो ये देखिए गाड़ी में इसमें एलॉय नहीं लगा हुआ है। आपको लग रहा हो एलॉय है लेकिन एलॉय नहीं है, ये इसका व्हील कैप लगा हुआ है। लेकिन इस व्हील कैप को इस तरह डिजाइन किया हुआ है कि आपको एलॉय लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी इंटीरियर में इसके 5 सीटर का ऑप्शन मिलेगा बीच में। इसके पीछे थर्ड रो में 3 जना आराम से नहीं बैठ सकते। इसके सनरूफ वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा है और उसका लुक भी काफ़ी जोरदार आ रहा है इंटीरियर का। इसमें ग्रे बंडल वगैरह चारों डोर पर दिए गए हैं, मतलब ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो सेफ्टी के मामले में। और बाकी इसका ये सीट कवर्स वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी से फिटेड सीट कवर मिलते हैं आपको इसमें। बाकी इसमें जगह वगैरह भी है कुछ कपड़े वगैरह, ये डॉक्यूमेंट रखने के लिए। ये देखिए एसीमेंट और रूफ पूरा फ्लोरिंग किया गया है। रूफ में आप चेक कर सकते हैं, ऐसी कंपनी कोई नहीं देती फ्लोरिंग करके। काफ़ी अच्छा फ्लोरिंग किया गया है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और ये इसके पावर विंडोज कंट्रोल है। और सिल्वर इंसर्ट तो मतलब हर गाड़ी में आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। सिल्वर इंसर्ट से क्या होता है गाड़ी का लुक काफ़ी अच्छा लग जाता है, और वो भी कंपनी फिटेड मिले तो फिर क्या बात है, मतलब गाड़ी काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर एक्सटीरियर में बात करें तो गाड़ी बहुत बड़ी रहने वाली है, मतलब एक्सटर से और वेन्यू से तो काफ़ी बड़ी आएगी। इसकी प्राइस रेंज सेकंड बेस्ट मॉडल है इसका, 10,75,000 माल कंपनी का डिमांड है ऑन रोड। लेकिन इसमें आप इंश्योरेंस वगैरह नहीं करवाओगे तो मतलब बाहर से करवाओगे तो आपको सस्ती पड़ जाएगी। टायर साइज आपको 16 इंच का टायर साइज मिलता है, काफ़ी बड़ा टायर है एलॉय व्हील के डिज़ाइन में। और बाकी इसमें 45 लीटर का पेट्रोल और डीजल दोनों का फ्यूल टैंक मिलता है। फ्रंट लुक की बात करें, फ्रंट में आपको पूरा कनेक्टिंग हेडलाइट्स मिलता है DRL के साथ। और इसकी काफ़ी अच्छी नई वाली ग्रिल आई है वो देखने को मिलती है। किया का लोगो काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल किया का लोगो चेंज हो गया अभी। इसके हेडलाइट भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे स्क्वायर डिज़ाइन में दिए गए सी शेप में, लेकिन काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है गाड़ी का और गाड़ी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और बाकी इसके बोनेट में जो क्रूज वगैरह दिए गए हैं, मतलब गाड़ी को काफ़ी अच्छा लुक देता है। किया सेल्टोस के बाद किया सोनेट काफ़ी फेमस गाड़ी है और मार्केट में काफ़ी अच्छा कमा रही है, क्योंकि लोग कम पैसे देकर भी ज़्यादा फीचर इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी से पीछे के पूरी कनेक्टिंग टेल लाइट आती है, रेड लाइट, ये और ये बेस मॉडल में आपको देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस गाड़ी में आपको बेस मॉडल से सनरूफ का ऑप्शन मिलता है यार, बहुत अच्छी गाड़ी है किया सोनेट। किया सोनेट का बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, अभी लॉक है शायद खुल नहीं रहा है, चलो इसको आगे से दिखाते हैं। बाकी पीछे पहले टेल गेट में आपको डोर वाइजर और ये वाइपर डिफोगर वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। बेस मॉडल से आपको सब कुछ ऑप्शन मिलता है। स्टॉप लैंप भी ऊपर माउंट किया गया है। रूफ रेल्स वगैरह सब कुछ, शार्क फ्री एंटीना सब कुछ कंपनी तरफ से फिटेड मिलता है। आपको आफ्टर मार्केट कुछ भी लगवाने की जरूरत नहीं है, बस 10.5 लाख रुपये में आप इस गाड़ी में सारे फीचर्स ऐड कर सकते हैं। ये इसकी सेकेंड रो सीट है, इसका बूट स्पेस आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा है और मतलब काफ़ी बड़ा भी है। इसमें आप 4-5 बैग आराम से आसानी से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी स्पेसियस जगह है इसमें। सीटिंग कवर भी काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। बाकी इसके टॉप मॉडल में आएंगे तो आपको और भी अच्छे फीचर्स देखने मिलेंगे, मतलब काफ़ी लग्जरी सीट, लेकिन आपको उसमें जाना ही नहीं, आपको इस गाड़ी में भी काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल रहे हो तो आप ये भी अटेंड कर सकते हैं। ये देखिए इस गाड़ी में आपको कंपनी की तरफ से विंडशील्ड देखने को मिलती है यार, मतलब ये कंपनी कर क्या रही है, इतने कम पैसे में इतने सारे फीचर्स दे रही है। मतलब अभी आपको कंपनी में बाहर से इलीगल कोई काम करने की जरूरत नहीं है, जेड ब्लैक से करवाने जरूरत है, आपको इसमें कंपनी की तरफ से ये विंडशील्ड देखने को मिलती है। ये चारों डोर पर देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं कि आपको 2 डोर पर मिलेगी, चारों डोर पर देखने को मिलेगी। और 4 विंडो कंट्रोल सब फ्रंट डोर पर मिलेंगे। और बाकी यार मतलब इंटीरियर गाड़ी क्या गजब बनाई है, सच में मेरे को तो बहुत पसंद आई गाड़ी, आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी इसके इंटरव्यू में देखिए आप, मतलब काफ़ी अच्छे फीचर्स है यार, मतलब इतने कम पैसे में दे। फ्लिप की तो देखिए इसकी चाबी यार, मैं आपको चाबी बता रहा हूँ, रुको 2 मिनट। इसकी चाबी इतनी लग्जरी है, मतलब जैसे महिंद्रा एक्सयूवी और
एक्सयूवी 3 डब्लू की आती है, मतलब काफ़ी बड़ी गाड़ी है।